आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में गिवन है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन। मुझे एक रिएक्शन गिवन है तो मुझे डिफरेंस बताना है, टेम्परेचर इतना गिवन है किलो जूल में, ठीक है। तो जो इक्वेशन है दोनों को रिलेट करती है वो होती है हमारी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। बात करूँ इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, तो डेल्टा ई एच होता है हमारा हीट ऑफ द रिएक्शन एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, और हमारा डेल्टा ई होता है जिसको हम एंथैल्पी भी बोलते हैं डेल्टा एच को, और डेल्टा ई होती है इंटरनल एनर्जी चेंज इन हीट ऑफ द रिएक्शन एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और डेल्टा एन जी होता है हमारा चेंज इन गैसियस मोल्स, किसके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आर क्या है, तो आर मेरा गैस कॉन्स्टेंट है और टी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए देखें, अगर मैं इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालूं, तो देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे प्रोडक्ट साइड कितने गैसियस मोल्स है अगर आप ऐड करो तो कितना, यहाँ पे 12, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस हमारे रिएक्टेंट साइड कितने गैसियस मोल्स प्रेजेंट है, 15, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है बेंजीन, तो 12 माइनस 15, तो मेरे यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, -3, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंस निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा ई का, तो इनका डिफरेंस है डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल, ठीक है। अब बात करूँ डेल्टा एन जी आर टी की, तो मैंने डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल दी -3, आर की कितनी वैल्यू होती है हमारी 8.314, और टेम्परेचर कितना होता है हमारा केल्विन में, हमें 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है, तो 25 में हम 273.15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 298.15 केल्विन। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है -7430 किलो जूल, और अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा मेरा ये -7.43 जूल, सॉरी ये हमारा जूल में था और ये हमारी कन्वर्ट होकर आ गई किलो जूल में, ठीक है। -7 ये था मेरा, किस में था ये हमारा, जूल में, और ये हो गई किलो जूल में। कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये होगी हमारी -7.43 किलो जूल। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूं -7.43 किलो जूल किस में गिवन है, पार्ट ए में, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।